नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 6 भाग 19 तक पढ़ लिया। भाग 19 में आपने ओपेरॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी ले लिया था। अब आते हैं भाग 20 में, उसके आगे के टॉपिक्स बारे में बताएंगे, जो कि है मानव जीनोम परियोजना, यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, कैसे इसको संचालित किया गया और कैसे इसको पूरी तरीके से कंप्लीट किया गया। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जो आपसे भाग 19 में क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन किया गया था कि ओपेरॉन क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि ओपेरॉन पास पास स्थित संरचनात्मक जीन व उससे संबंधित कंट्रोल जीन का समूह है जो आवश्यक जीन का संश्लेषण कर कोशिका के कोशिकीय उपापचय का नियमन करता है। दूसरा क्वेश्चन किया गया था कि ओपेरॉन के कितने भाग होते हैं, तो देखिए ओपेरॉन में क्या क्या होता है। सबसे पहले नियामक जीन, फिर उन्नायक जीन, फिर प्रचालक जीन और फिर संरचनात्मक जीन, यानी ओपेरॉन के कुल 4 भाग होते हैं। चारों के आप सीक्वेंस में याद करेंगे, सबसे पहला नियामक जीन, फिर उन्नायक जीन, फिर प्रचालक जीन, फिर संरचनात्मक जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि नियामक जीन का कार्य क्या होता है, तो नियामक जीन का कार्य क्या होता है, नियामक जीन से रिप्रेशर प्रोटीन का निर्माण होता है जो जीन के स्विच ऑन और ऑफ होने की क्रियाविधि का नियमन करता है। दूसरा क्वेश्चन किया गया था कि उन्नायक का कार्य क्या है, प्रमोटर का कार्य, तो उन्नायक का कार्य होता है यह आरएनए पॉलीमरेज को जुड़ने का स्थान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था प्रचालक का कार्य क्या है, ऑपरेटर का कार्य क्या है, तो प्रचालक का कार्य होता है रिप्रेशर प्रोटीन को जुड़ने का स्थान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि लैक ओपेरॉन में लैक शब्द का मतलब क्या होता है, तो लैक ओपेरॉन में लैक शब्द का मतलब होता है लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि लैक ओपेरॉन में उपस्थित जेड जीन द्वारा किस एंजाइम का संश्लेषण होता है, तो जेड जीन द्वारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि लैक ओपेरॉन में उपस्थित वाई जीन द्वारा किस एंजाइम का संश्लेषण होता है, तो वाई जीन द्वारा परमिएज का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि लैक ओपेरॉन में ए जीन द्वारा किस एंजाइम का संश्लेषण होता है, तो ए जीन द्वारा ट्रांस एसिटिलेज का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि ओपेरॉन कितने प्रकार का होता है, तो ओपेरॉन 2 प्रकार का होता है। मैंने बताया था प्रेरक ओपेरॉन यानी इंड्यूसिबल ओपेरॉन, दूसरा निष्क्रिय ओपेरॉन यानी रिप्रेसिबल ओपेरॉन। फिर लास्ट क्वेश्चन किया गया था कि बताइए प्रेरक ओपेरॉन ऋणात्मक नियमित होता है या धनात्मक, तो मैंने आपको बताया था कि प्रेरक ओपेरॉन ऋणात्मक नियमित होता है क्योंकि इसका नियमन रिप्रेशर प्रोटीन करता है। बस इतने क्वेश्चन पूछे गए थे जिनके आंसर्स आपको बता दिए गए। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर जो कि है मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो बुक पर आने से पहले कुछ बातें हम व्हाइट बोर्ड पर करेंगे। तो टॉपिक है आपका मानव जीनोम परियोजना यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में HGP भी कहते हैं, HGP। तो सबसे पहले यहां पर हम ये जानेंगे कि आखिर ये जीनोम क्या होता है। तो मैंने आपको बताया है, कई बार बताया है कि जीनोम मींस हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। जीनोम क्या होती है, गुणसूत्रों की आधी संख्या को कहते हैं। जैसे मानव में बताइए, मानव की कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। तो ये किस अवस्था को दर्शाता है, द्विगुणित अवस्था को, क्योंकि मानव की जो कोशिका होती है वह द्विगुणित होती है यानी डिप्लॉयड होता है। इसे हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, 2n बराबर 46। तो मानव की कोशिका में कुल गुणसूत्रों की संख्या तो 46 होती है। इसे कहते हैं कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसे क्या कहते हैं, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्रों की पूर्ण संख्या। लेकिन अगर इसी का आधा हो जाए तब हम इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं, n बराबर 23। ये क्या दर्शाता है, अगुणित अवस्था। इसे क्या कहते हैं, हैप्लॉइड स्टेज, हैप्लॉइड यानी गुणसूत्रों की आधी संख्या। इसे क्या कहेंगे, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। और इसी को क्या कहते हैं, जीनोम। ठीक है, जीनोम क्या कहलाता है, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम।
याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीनोम का मतलब क्या होता है? हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे कोई भी जीव हो, जैसे मान लेते हैं कि मधुमक्खी है, तो मधुमक्खी में 32 गुणसूत्र पाया जाता है, तो 32 गुणसूत्र का आधा कितना हुआ? 16। तो 16 क्या है? उसका जीनोम को प्रदर्शित करता है। यानी हमेशा किसी जीव में कुल गुणसूत्रों का आधा सेट क्या दर्शाता है? जीनोम। अब ये जीनोम कहाँ पाया जाता है, यानी आधे सेट कहाँ पाया जाता है? तो हमारा शरीर है, हमारे शरीर के समस्त कोशिकाओं में तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन एक ऐसी कोशिका सभी जीवों में, युग्मक जो होता है, गैमीट, वो उसमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, आगुणित होती है वो कोशिका। तो याद कर लीजिए, जीनोम क्या होता है? हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। हम यहां पर डिफिनेशन क्या दे सकते हैं जीनोम को? तो जीवों की कोशिका के आगुणित, ऐसा नहीं, जीवों के शरीर की आगुणित कोशिका में उपस्थित कुल गुणसूत्रों की संख्या जीनोम कहलाती है। हमने क्या बोल दिया? आगुणित कोशिका। आगुणित कोशिका मतलब उसमें आधी क्रोमोसोम की संख्या हो। तो यानी जीवों के शरीर की आगुणित कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या को जीनोम कहते हैं। तो आप इसका डेफिनेशन क्या देंगे? जीनोम का डेफिनेशन क्या देंगे? कि जीवों के, या जीव के शरीर का कर लीजिए, जीव के शरीर की आगुणित, आगुणित मतलब यही हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, आगुणित कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या को जीनोम कहते हैं। जीनोम कहते हैं, हाँ। अगर आप समझ गए हैं तो बताइए कि किसी जीव में उसकी द्विगुणित कोशिका में 8 गुणसूत्र है, तो बताइए उसका जीनोम कितना होगा? आप कमेंट बॉक्स में इसे आंसर दीजिए। अब देखिए, ये तो आपको पता चलेगा कि जीव के शरीर की आगुणित कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या को जीनोम कहते हैं। अब एग्जाम्पल में आप क्या दे दें? फॉर एग्जाम्पल, मनुष्य की आगुणित कोशिका, तो बताइए मनुष्य में आगुणित कोशिका कौन सी होती है? युग्मक। नर में नर युग्मक, मादा में मादा युग्मक, हमेशा आगुणित होती है युग्मक, ठीक है? जैसे मेल गैमीट स्पर्म एंड फीमेल गैमीट ओवा जिसे कहते हैं, या एग सेल। तो मनुष्य की आगुणित कोशिका यानी युग्मक में उपस्थित तेईस गुणसूत्र, ये क्या दर्शाता है? 23 गुणसूत्र जीनोम को प्रदर्शित करता है। और इस 23 गुणसूत्र में लगभग 20,000 से 25,000 जीन्स पाए जाते हैं। यानी मनुष्य की आगुणित कोशिका में उपस्थित 23 गुणसूत्र होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, मनुष्य की आगुणित कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। इन 23 गुणसूत्र में उपस्थित 20,000 से 25,000, बुक में गलती से यहाँ पर 2,000 आ गया है, 10 और बढ़ा लीजिएगा, 20,000 से 25,000 सक्रिय व निष्क्रिय जीन जीनोम को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है बात? जीनोम क्या होता है? कि जीव के शरीर की आगुणित कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या। जैसे मनुष्य में सारी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, लेकिन एक कोशिका आगुणित होती है, युग्मक। तो युग्मक क्या है? आगुणित कोशिका।
अब युग्मक में उपस्थित जितनी गुणसूत्र की संख्या होगी किसी भी जीव में, उसके युग्मक में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या उसका जीनोम कहलाता है। और आपको यह भी पता है कि आगुणित कोशिका में गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, जैसे मनुष्य की समस्त कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, लेकिन आगुणित कोशिका में इसकी संख्या 23 होती है। तो मनुष्य की आगुणित कोशिका यानी युग्मक में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या जीनोम को प्रदर्शित करती है। अब इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 23 गुणसूत्र में उपस्थित लगभग 20,000 से 25,000 सक्रिय व निष्क्रिय जीन जीनोम को प्रदर्शित करते हैं। यानी मनुष्य में उसके आगुणित कोशिका में कुल कितने जीन होते हैं? 20,000 से 25,000 जीन होते हैं। इन जीनों को बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड की संख्या न्यूक्लियोटाइडों की संख्या कितनी होती है? 3 बिलियन बताए हैं। मनुष्य की आगुणित कोशिका में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या कितनी होती है? 3 बिलियन यानी 3×10⁻¹ बेस पेयर होते हैं। क्लियर है बात? मानव जीनोम क्या है? आपने समझ लिया, मानव जीनोम क्या है? मानव की आगुणित कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या। अब आपको पता है कि गुणसूत्र हैं, तो गुणसूत्र पर जीन होंगे। आगुणित कोशिका में कितने जीन हैं? 20,000 से 25,000। ये जो जीन है वो कितने नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर? 3 बिलियन क्षारकों से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो मानव जीनोम परियोजना है ये क्या कहता है? मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत हम इन्हीं जीनों को जानने की कोशिश करते हैं। मानव जीनोम का लक्ष्य यही था, मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य ये था कि मनुष्य में उपस्थित समस्त जीन की जानकारी हमें हो जाए। बहुत बड़ी परियोजना है, क्योंकि 3 बिलियन नाइट्रोजन क्षारकों का अनुक्रम ज्ञात करना कोई आसान काम नहीं है। इसमें कुल 13 साल लगे और इसमें कुल 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हुआ है। और इसके जो आंकड़े हैं, अगर उस आंकड़ों को सुरक्षित करने के लिए लगभग 1,000 पेज की एक किताब, तो 1,000 किताब लगती। यानी ये प्रोसेस बहुत बड़ा था। मानव जीनोम परियोजना का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है कि मनुष्य के डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों के क्रम को ज्ञात करना, 20,000 से 25,000 जीनों का क्रम ज्ञात करना कि आखिर इन जीनों का अनुक्रम क्या होता है, इनसे क्या बनता है, अगर इनमें नाइट्रोजन क्षारकों में कोई गड़बड़ी होती है तो उससे कौन सा रोग होता है, इन्हीं सभी के बारे में जानना ही मानव परियोजना का लक्ष्य था। और उसी के अनुसार आपने जाना भी है कि सिकल सेल एनीमिया रोग क्यों होता है। पता ऐसे ही तो चला कि जब हम उसके सीक्वेंस के बारे में पता करते कि सीक्वेंस में ये गड़बड़ी हो जाती है जिससे सिकल सेल एनीमिया रोग होता है। ऐसे बहुत सारे रोगों के बारे में आपने पढ़ा जो आनुवंशिक होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन क्षारों के अनुक्रम बदल जाते हैं जिसकी वजह से रोग होता है। तो ये आखिर कैसे पता चलेगा? तब पता चलेगा जब हम अपने ह्यूमन के, मनुष्य के जीन के में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों का अनुक्रम ज्ञात कर लें, क्योंकि हर जीन का अनुक्रम अलग है, तभी तो उसके कार्य अलग होते हैं। तो मानव जीनों परियोजना का लक्ष्य क्या था? कि मनुष्य में उपस्थित 20,000 से 25,000 जीनों के अनुक्रम का ज्ञात करना, यानी हम डीएनए में उपस्थित 3 बिलियन नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम को ज्ञात कर लें। ये लक्ष्य था मानव जीनोम परियोजना का। अब इसकी शुरुआत कब हुई? तो मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत, याद करिए, मानव जीनोम की परियोजना की शुरुआत वर्ष 1990 में अमेरिकी सरकार द्वारा किया गया, ठीक है। 1990 में इस परियोजना की शुरुआत की गई। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य
मानव डीएनए को बनाने वाले मानव जीनोम को बनाने वाले 3 बिलियन नाइट्रोजन क्षारों का अनुक्रम ज्ञात करना। तो ये कोई आसान काम तो था नहीं, 3 बिलियन नाइट्रोजन क्षारों के अनुक्रम को ज्ञात करना। एक नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रम को ज्ञात करने के लिए $3 खर्च होता है। अब एक नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रम को ज्ञात करने के लिए $3 खर्च होता है, तो बताइए 3 बिलियन नाइट्रोजन क्षारों बेस पेयर 3 बिलियन नाइट्रोजन क्षारों के अनुक्रम को ज्ञात करने के लिए कितना रुपया लगेगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 * 9 कितना? 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हुए। इसीलिए इसे महापरियोजना कहा जाता है, क्योंकि 3 बिलियन नाइट्रोजन क्षारों के अनुक्रम को ज्ञात करने के लिए 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हुआ। और इसका जो महापरियोजना की जो शुरुआत हुई थी 1990 में और कंप्लीट हुआ था 2003 में, यानी 13 वर्ष लगे इस परियोजना को पूर्ण होने में। तो ये एक महापरियोजना थी, समझ में आया? मानव जीनोम परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? मानव के डीएनए को बनाने वाले 3 बिलियन नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम को ज्ञात करना। एक नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रम को ज्ञात करने में $3 खर्च होते हैं, तो बताइए 3 बिलियन नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम को ज्ञात करने के लिए कुल कितना खर्च होगा? $9 बिलियन खर्च हुआ, इसमें कुल 13 साल लगे। शुरुआत में इस महापरियोजना के में यूके यानी यूनाइटेड किंगडम भी शामिल था, और इसके साथ साथ अन्य देश भी साझेदारी हैं, अन्य देशों की भी साझेदारी है, जैसे जापान, चीन, फ्रांस, जर्मनी, ये सभी देश इस महापरियोजना में साझेदार हैं। यानी कुछ ना कुछ इन्होंने भी रुपया दिया होगा तभी ये साझेदार हैं। उससे जो भी निष्कर्ष प्राप्त होगा उनमें इनकी भी भागीदारी होगी, इनको भी पता चलेगा उस चीज़ों के बारे में। अब इस परियोजना का संचालन कौन करता था, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मानव जीन परियोजना का संचालन कौन करता है। मानव जीनोम परियोजना शुरुआत तो किया था अमेरिकी सरकार ने 1990 में, लेकिन इस परियोजना का संचालन आखिर कौन करता है? मानव जीनोम परियोजना का संचालन US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ये करते हैं। मानव जीनोम परियोजना का संचालन कौन करता है? US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत किसने की थी? US सरकार ने 1990 में, कब पूर्ण हुई? 2003 में। कितना साल लगे? 13 साल। कितना रुपया खर्च हुआ? $9 बिलियन खर्च हुआ। संचालन कौन करता है?
US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। अब मानव परियोजना का लक्ष्य क्या था, मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य क्या था, याद करिए, मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य, पहला लक्ष्य क्या था कि मानव जीनोम में मिलने वाले, मानव जीनोम में मिलने वाले कितने जीन, 20 से 25 हजार जीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। दूसरा, मानव जीनोम को बनाने वाले, मानव जीनोम को बनाने वाले 3 बिलियन नाइट्रोजन क्षारों के अनुक्रम का पता लगाना। तो ये तो मुख्य लक्ष्य था कि 20,000 से 25,000 जीन के बारे में जानकारी प्राप्त करना, 3 बिलियन नाइट्रोजन क्षारों के अनुक्रम का पता लगाना। उसके बाद इन अनुक्रमों की जो जानकारी प्राप्त हुई उसको सुरक्षित रखना, यानी तीसरा क्या है, उपरोक्त जानकारी को आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना, यानी सुरक्षित उसको रखना जानकारी को। चौथा, आंकड़ों के विश्लेषण यानी एनालिसिस आंकड़ों के विश्लेषण हेतु नई तकनीक का विकास करना। अब ऐसा तो है नहीं कि हम जीनों का अनुक्रम ज्ञात कर लिए, नाइट्रोजन क्षारों का अनुक्रम ज्ञात कर लिए, ज्ञात करके लिख कैसे छोड़ दें, इस काम के लिए तो किया नहीं गया है। उसका प्रयोग किया जाएगा कि आखिर किस जीन में कौन से अनुक्रम पाए जाते हैं, उन अनुक्रम में क्या गड़बड़ी हो सकती है जिससे परिवर्तन आ सकता है, तो उन आंकड़ों का हम विश्लेषण कर सकें बाद में, तो उससे संबंधित हम नई तकनीक का विकास करते हैं इसी योजना के अंतर्गत। पांचवा, योजना से जुड़े नैतिक कानूनी व सामाजिक मुद्दों के बारे में विचार करना, इसे कहते हैं ELSI, ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज। बात को समझिएगा, ये मनुष्य के जीन की तैयारी हो रही है, मनुष्य के जीन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इसमें प्रयोग हो रहा है। तो पहला तो लोग यहाँ पर ये सवाल उठाएंगे कि मानव पर प्रयोग करना ये नैतिक रूप से सही नहीं है, मानव को प्रयोगशाला में ले जाना नैतिक रूप से सही नहीं है।
और साथ ही बहुत सारे इसमें कानूनी और सामाजिक मुद्दे शामिल थे जिनके बारे में भी विचार किया गया इस परियोजना के तहत कि किसी भी प्रकार का नैतिक मुद्दा ना उठ सके, कानूनी मुद्दा ना उठ सके या सामाजिक मुद्दा ना उठ सके। बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि प्रकृति के साथ ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, मनुष्य प्रकृति का एक हिस्सा है, अगर आप मनुष्य पर ही प्रयोग करेंगे तो यह घातक साबित हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों मुद्दों को ही कहा जाता है नैतिक, कानूनी व सामाजिक मुद्दा। इसे शॉर्ट फॉर्म में ELSI कहते हैं, इथिकल लीगल सोशल इश्यूज, इथिकल लीगल सोशल इश्यूज। क्लियर है बातें? तो ये था मानव जीनोम परियोजना के बारे में कि मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत कब की गई, संचालन कौन करता है, मुख्य लक्ष्य क्या है, इनके बारे में आपने जाना। आइए देखते हैं मानव जीनोम को तैयार करने की विधियां कौन कौन सी हैं, यानी नेक्स्ट आपका हेडिंग है मानव जीनोम तैयार करने की विधियां। मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम। तो मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत मानव जीनोम तैयार करने की दो विधियां हैं। पहला याद करते चलिए, पहली विधि को कहते हैं अभियुक्त अनुक्रम टैग्स, इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, इसे शॉर्ट फॉर्म में ESTs भी कहते हैं कई कई जगह पर। और दूसरी विधि है अनुक्रम टिप्पण, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। तो याद करिए मानव जीनोम तैयार करने की कितनी विधियां हैं, दो, अभियुक्त अनुक्रम टैग्स यानी एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स और दूसरा अनुक्रम टिप्पण यानी सीक्वेंस एनोटेशन। अब इनमें अभिव्यक्त अनुक्रम टैग्स में क्या होता है, इस विधि में कैसे हम ज्ञात करते हैं मानव के जीनोम को। तो पहली बात ये कि जो जीन होता है हमें जीनों के अनुक्रम को ही पता करना है। आपको ये पता है कि जीन से mRNA बनता है, mRNA से उससे संबंधित प्रोटीन बनता है। जीन से डायरेक्टली प्रोटीन तो बनता नहीं है, जीन से पहले क्या बनता है mRNA। तो हम किसी जीन की जानकारी किससे ले सकते हैं, उससे बने mRNA से प्राप्त कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं पहले ये बताइए, कर सकते हैं ना। इस जीन की जानकारी उससे बने mRNA से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी जीन से जो mRNA बनता है वो उस जीन के टेम्पलेट स्ट्रैंड का ही कॉम्प्लीमेंट्री होता है। यानी अगर कोई mRNA बना है, कोई mRNA बना है, उस पर जो नाइट्रोजन क्षार का सूचना है वो किसका पूरक होता है, जीन का ही टेम्पलेट स्ट्रैंड का पूरक होता है। मान लो किस mRNA के पास सूचना है AUCGCGUUAAC, मान लो इस mRNA के पास ये सूचना है, तो ये सूचना कहाँ से आई है, तो ये सूचना जो है वो इस जीन के टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही तो आया है, क्योंकि इस जीन में वो टेम्पलेट स्ट्रैंड रहा होगा, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड रहा होगा जिसमें सूचना TAGCGCAATTG रहा होगा। तभी तो T से A बना, A से U बना, G से C बना, C से G बना, G से C बना। ये क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। आपको पता है कि DNA के टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही mRNA का फॉर्मेशन होता है। तो अब बताइए अगर इस mRNA की सूचना हमें प्राप्त हो जाए
तो इस mRNA से संबंधित जो जीन है उसकी सूचना भी प्राप्त हो जाएगी कि नहीं हो पाएगी? हो जाएगी ना, क्योंकि आपको पता है कि इसी का पूरक होता है, ए है तो टी, यानी हमें इस हमें ये mRNA मिल गया, mRNA पर उपस्थित नाइट्रोजन क्षार का क्रम भी मिल गया, तो हम इससे संबंधित जो जीन है उसका क्रम नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, क्योंकि पता है कि ये जो सीक्वेंस है वो जीन के टेम्पलेट स्टैंड के ही कॉम्प्लीमेंट्री पूरक होता है, यानी यहाँ पर एडनिन है तो उस जीन के टेम्पलेट स्टैंड पर एडनिन की जगह पर थायमिन होगा, यूरेसिल की जगह पर एडनिन होगा, साइटोसिन की जगह पर ग्वानिन होगा, इस तरह से हम टेम्पलेट स्टैंड निकाल सकते हैं। और जब किसी जीन का टेम्पलेट स्टैंड आ गया तो क्या उसके हम कोडिंग स्टैंड को नहीं निकाल पाएंगे? अब देखिए कोडिंग स्टैंड क्या होगा, इसके पूरक होगा, एडनिन है थायमिन है तो एडनिन होगा, एडनिन है तो थायमिन होगा, साइटोसिन है तो ग्वानिन होगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन है तो ग्वानिन होगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन होगा, साइटोसिन है तो ग्वानिन होगा, एडनिन होगा तो थायमिन होगा, थायमिन है तो एडनिन, थायमिन है तो एडनिन, थायमिन है तो एडनिन, ग्वानिन है तो साइटोसिन। आए समझ में? तो एक mRNA से हम उस जीन के सीक्वेंस का पता लगा लिए, तो यही प्रक्रिया यही विधि कहलाती है अभियुक्त अनुक्रम टैग्स, कि हम किसी mRNA से उसके जीन का अनुक्रम ज्ञात कर लें, तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका है अनुक्रम टिप्पण यानी सीक्वेंस एनोटेशन। इस विधि में क्या करते हैं, तो इस विधि द्वारा संपूर्ण जीनों में उपस्थित कोडिंग नॉन कोडिंग सभी जीनों का हम अनुक्रम ज्ञात कर लेते हैं, और फिर बाद में हम उन अनुक्रमों के विभिन्न क्षेत्रों को उनके काम से जोड़ देते हैं कि इन क्षेत्र का ये काम रहा होगा। ठीक है, तो ये दो तरीका होता है मानव जीनोम को तैयार करने के। एक तो अभियुक्त अनुक्रम टैग, यानी किसी DNA के किसी भी जीन से जो mRNA बनता है उस mRNA को हम प्राप्त कर लें और उनके अनुक्रम के अनुसार हम उस जीन का अनुक्रम तैयार कर लें, इसे हम कहते हैं अभियुक्त अनुक्रम टैग्स। दूसरा अनुक्रम टिप्पण यानी सीक्वेंस एनोटेशन। इस विधि में संपूर्ण जीनोम के कोडिंग और नॉन कोडिंग क्षेत्रों को ज्ञात कर लिया जाता है, उसके अनुक्रम को ज्ञात कर लिया जाता है, बाद में उस अनुक्रम के विभिन्न क्षेत्रों को उनके काम से जोड़ दिया जाता है। क्लियर है बातें? सर्वप्रथम हम करते क्या है, तो सर्वप्रथम हम किसी भी DNA को लेते हैं, उस DNA को विभिन्न खंडों में छोटे छोटे खंडों में तोड़ते हैं, क्योंकि DNA बहुत लंबा सीक्वेंस है, तो एक साथ पूरे DNA के क्रम अनुक्रम को ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो DNA को छोटे छोटे खंडों में तोड़ते हैं, प्रत्येक खंड को वाहक के माध्यम से हम पोषक कोशिका में स्थानांतरित करते हैं, फिर पोषक कोशिका में उस DNA के बहुत सारी प्रतिलिपियां बनती हैं, जिससे हमें कई प्रत्येक DNA के कई कॉपियां मिल जाते हैं। अब हम उन DNA के विभिन्न कॉपियों से उस DNA के अनुक्रम को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर जो हम पोषक कोशिका का प्रयोग करते हैं मानव जीनोम परियोजना में, जो हम पोषक कोशिका का प्रयोग करते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, मानव जीनोम परियोजना में हम जो पोषक कोशिका का प्रयोग करते हैं वो दो, एक बैक और दूसरा याक कहलाता है। बैक मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का प्रयोग करते हैं, और दूसरा याक यानी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम किसी भी DNA को छोटे छोटे खंडों में तोड़ते हैं, उन खंड को वाहक के माध्यम से यानी वेक्टर के माध्यम से हम इन पोषक कोशिकाओं में स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे वे DNA के खंड इन पोषक कोशिकाओं में प्रतिलिपि बनाती हैं। बहुत सारी प्रतिलिपियां जब हमें प्राप्त हो जाती हैं तो उन प्रतिलिपियों के माध्यम से हम उस DNA के अनुक्रम को उस DNA में उपस्थित नाइट्रोजन के अनुक्रम को नाइट्रोजन क्षारों के अनुक्रम को ज्ञात कर लेते हैं। बस ये था मानव जीनोम को तैयार करने की विधियाँ। अब आते हैं हम मानव जीनोम की उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे और उनके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। मानव जीनोम परियोजना की उपलब्धियां या विशेषताएं
यानी सैलियंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें पता चली मानव जीनोम परियोजना के द्वारा, उसी को हम कहेंगे कि मानव जीनोम की उपलब्धियाँ। इस परियोजना के द्वारा हमें क्या क्या चीज़ें पता चली, उपलब्धियाँ। सबसे पहला, मानव जीनोम में 3,164.7 करोड़ क्षार युग्म पाए जाते हैं। याद करिए, ये पता चला हमें मानव जीनोम परियोजना के द्वारा। मानव जीनोम परियोजना के द्वारा हमें यह पता चला कि मानव जीनोम में कुल 3,164.7 करोड़ क्षार युग्म पाए जाते हैं। दूसरा, प्रत्येक जीन में औसतन 3,000 क्षार स्थित होते हैं, जिनके आकार में काफी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिनके आकार में काफी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, औसतन एक जीन में लगभग 3,000 क्षार पाए जाते हैं, यह भी पता चला हमें मानव जीनोम परियोजना के द्वारा। तो दो चीजें आप याद करिए, मानव जीनोम परियोजना के द्वारा हमें क्या पता चला। पहला तो ये कि मानव जीनोम में 3,164.7 करोड़ क्षार युग्म पाए जाते हैं, औसतन एक जीन में 3,000 क्षार पाए जाते हैं, जिनके आकार में काफी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तीसरा, मानव में सबसे बड़ी जीन कौन सी होती है, इसके बारे में पता चला। मानव में सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन होता है, याद कर लीजिए, डिस्ट्रोफिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काफ़ी जगह पूछा गया है। मानव जीन जीनोम में सबसे बड़ी जो जीन होती है वो कौन सी है, तो डिस्ट्रोफिन जीन है, जिसमें मानव जीन मानव में सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन है, जिसमें नाइट्रोजन क्षारों की संख्या कितनी होती है, 2.4 करोड़, जिसमें 2.4 करोड़ क्षार पाए जाते हैं। याद करिए, यह भी पता चला हमें मानव जीनोम परियोजना के द्वारा कि मानव जीनोम परियोजना के द्वारा हमें पता चला कि मानव में सबसे बड़ी जो जीन होती है वो डिस्ट्रोफिन है, जिसमें कुल 2.4 करोड़ क्षार पाए जाते हैं, याद कर डालिए। नेक्स्ट, जीन की कुल संख्या लगभग कितनी है, जीन की संख्या मानव जीनोम में संख्या लगभग 30,000 है, लगभग 30,000 है, और 99.9% यानी 99.9% व्यक्तियों के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम समान होते हैं। यानी प्रत्येक मनुष्य में उसके डीएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइडों का क्रम 99.9% समान होता है, मतलब हमारा, हमारे पिताजी से या आप सभी से या जितने भी मनुष्य हैं, सभी में 99.9% की समानता पाई जाती है। केवल 0.1% का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से अलग दिखते हैं। क्लियर है बात, सभी मनुष्य में 99.9% न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम समान होता है,
केवल 0.1% का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पांचवा, जितने भी जीन खोजे गए हैं उसमें से केवल 50% जीन ऐसे हैं जिनके कार्य के बारे में हमें जानकारी है। यानी ये मानव परियोजना के अंतर्गत हमें क्या है, जितने भी जीन हमें ज्ञात हुए हैं उनमें से केवल 50% जीन की जानकारी ही हमें है। यानी ज्ञात जीनों में से 50% जीनों के कार्य की जानकारी प्राप्त है। और इनमें भी केवल 2% ऐसे जीन हैं जिनके द्वारा प्रोटीन का कूट लेखन होता है। यानी अभी तक जितने भी जीन खोजे गए हैं उन जीनों में से केवल 2% जीन ऐसे होते हैं जो प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं। यह भी बात हमें मानव जीनोम परियोजना के द्वारा पता चलती है। यानी ज्ञात जीन में से लगभग 2% से कम जीन प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं। नेक्स्ट, याद रखेंगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव जीनोम का अधिकांश भाग कौन बनाता है। पुनरावृत्ति सीक्वेंस, जिसे हम पुनरावृत्ति अनुक्रम कहते हैं, रिपीटेटिव सीक्वेंस। मानव जीनोम का अधिकांश भाग कौन बनाता है, पुनरावृत्ति अनुक्रम। ये पुनरावृत्ति अनुक्रम क्या होता है? पुनरावृत्ति अनुक्रम का मतलब होता है कि वे अनुक्रम जिनकी पुनरावृत्ति कई बार होती है, 100 से 1000 बार। जैसे मान लो कि एक अनुक्रम है ACCA, तो यही बार बार रिपीट हो DNA पर। जैसे ACCA है, फिर उसके बाद वही आ जाए ACCA, फिर ACCA, फिर ACCA, इसे कहते हैं पुनरावृत्ति अनुक्रम, रिपीटेटिव सीक्वेंस। तो मानव जीनोम का अधिकांश भाग कौन बनाता है, पुनरावृत्ति सीक्वेंस यानी पुनरावृत्ति अनुक्रम। इनका कोई यूज कोडिंग में नहीं होता, प्रोटीन बनाने में नहीं होता, mRNA बनाने में नहीं होता, लेकिन हाँ गुणसूत्र की संरचना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सातवां पॉइंट क्या है कि मानव जीनोम का अधिकांश भाग पुनरावृत्ति अनुक्रम यानी रेपिटेटिव सीक्वेंस बनाता है। याद करिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मानव जीनोम का अधिकांश भाग कौन बनाता है, पुनरावृत्ति अनुक्रम यानी रेपिटेटिव सीक्वेंस। नेक्स्ट आठवां, मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत पहला गुणसूत्र कौन था जिसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो याद रखेंगे कि मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत पहला अनुक्रमित यानी गुणसूत्र संख्या 22 था, जो सबसे छोटा होता है। कौन सा गुणसूत्र सबसे छोटा होता है? गुणसूत्र संख्या 22।
23 जोड़ी गुणसूत्र होती है ना, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र में से जो 22वां जोड़ी गुणसूत्र है उसी का सबसे पहले सीक्वेंस ज्ञात हुआ था मानव परियोजना के अंतर्गत। उसके बाद देखें नौवां, देखिए 2003 तक समस्त गुणसूत्र के अनुक्रम के बारे में पता चल गया, लेकिन एक गुणसूत्र ऐसा था जिसके बारे में अभी जानकारी नहीं प्राप्त थी, वह था गुणसूत्र संख्या एक। गुणसूत्र संख्या एक के अनुक्रम की जानकारी हमें प्राप्त हुई वर्ष 2006 में, मई का समय। तो मई 2006 में गुणसूत्र संख्या एक की जानकारी प्राप्त हुई थी, याद रखेंगे। 2003 तक समस्त गुणसूत्र की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, लेकिन गुणसूत्र संख्या एक की जो जानकारी थी वो मई 2006 को प्राप्त हुई। यानी कह सकते हैं कि इस महापरियोजना की संपूर्ण जानकारी 2006 तक कंप्लीट हुई, जब गुणसूत्र संख्या एक के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। यह मानव के 24 प्रकार के गुणसूत्रों में या मानव के 24 प्रकार के गुणसूत्र में अंतिम था, यानी सभी के बारे में पता चल गया। 22 दैहिक गुणसूत्र के बारे में पता चल गया, यानी पहले वाले को छोड़ के, और उसके बाद X गुणसूत्र के बारे में पता चल गया, Y गुणसूत्र के बारे में पता चल गया, यानी 22, 23, 24 गुणसूत्र के बारे में पता चल गया। जो एक गुणसूत्र संख्या एक पहला वाला था उसके बारे में पता नहीं चल पाया था, ये अंतिम गुणसूत्र था जिसके बारे में जानकारी 2006 में मिली थी। क्लियर है बात? अभी मत सोचिएगा कि यहाँ पर 24 हम बोल रहे हैं, 24 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, 24 जोड़ी गुणसूत्र नहीं होते, गुणसूत्र तो 23 जोड़ी ही होते हैं, 24 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका मतलब समझ लीजिए 22 जो होते हैं दैहिक गुणसूत्र होते हैं। अब 22 जोड़ी गुणसूत्र में आप देखोगे ना तो सभी समान होते हैं, जैसे मान लेते हैं ये पहला जोड़ी गुणसूत्र है AA समान है, दूसरा BB, लेकिन 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है वो नर में भिन्न होता है X और Y। तो यहाँ पर 22, 23 और 24 प्रकार के गुणसूत्र हुए कि नहीं हुए, तो ये 24 प्रकार के गुणसूत्र में अंतिम गुणसूत्र था जिसके बारे में जानकारी सन 2006 में प्राप्त हुई। और इसी गुणसूत्र संख्या एक में सबसे अधिक जीन पाया जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जीन किस में पाया जाता है? गुणसूत्र संख्या एक में सबसे ज्यादा जीन मानव के किस गुणसूत्र में पाया जाता है? गुणसूत्र संख्या एक में। कितना? 2968, यानी 2968। और सबसे कम जीन किस में पाया जाता है? गुणसूत्र वाई में। कितना? 231 सबसे कम जीन। ठीक, इतनी बातें आप याद कर डालिए। सबसे पहला ये कि मानव जीनोम में 3164.7 करोड़ क्षार युग्म पाए जाते हैं, प्रत्येक जीन में औसतन 3000 क्षार स्थित होते हैं, लगभग कुल 30,000 जीन मनुष्य के जीनों में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा जीन मनुष्य में डिस्ट्रोफिन है जिसमें 2.4 करोड़ क्षार युग्म पाए जाते हैं। उसके बाद आपने जाना कि मानव के जीनोम का अधिकांश भाग पुनरावृत्ति अनुक्रम यानी रिपीटेटिव सीक्वेंस बनाते हैं। फिर आपने जाना कि गुणसूत्र संख्या 22 जो था वो पहले, सबसे पहले मानव जीनोम परियोजना में सबसे पहले खोजा गया था, अनुक्रमण उसके अनुक्रम को ज्ञात किया गया था, किसके? गुणसूत्र संख्या 22 के। सबसे अंतिम में गुणसूत्र संख्या 1 के बारे में जानकारी प्राप्त हुई 2006 में मई में। अब सबसे ज़्यादा जीन कौन से मनुष्य के कौन से गुणसूत्र में सबसे ज़्यादा जीन पाए जाते हैं? तो मनुष्य के गुणसूत्र संख्या एक पर सबसे ज्यादा जीन पाए जाते हैं 2968। मनुष्य के किस गुणसूत्र में सबसे कम जीन पाया जाता है? गुणसूत्र वाई में 231 जीन। ठीक है, बस अब आता है मानव जीनोम परियोजना का महत्व, तो आइए उसे हम बुक से देखते हैं। तो मानव जीनोम परियोजना के बारे में सारी जानकारी आपको दे दी गई है, आप बुक से पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं मानव जीनोम परियोजना के महत्व। मानव जीनोम परियोजना का महत्व, बहुत सारे महत्व हैं। जैसे मैंने बताया क्या कि हमारे शरीर के संपूर्ण प्रोटीन के निर्माण की सूचना किसके पास होती है? डीएनए के पास होती है। शरीर कैसा बनना है कैसा नहीं बनना सब कुछ सूचना डीएनए के पास होती है, इन द फॉर्म ऑफ जीन, जीन के रूप में।
अगर हम उस जीन में, अब आपको पता है कि जीन किससे बने होते हैं, नाइट्रोजन क्षारों किससे मिलकर बने होते हैं, और नाइट्रोजन क्षार का अनुक्रम ही उस प्रोटीन के बनाने की सूचना को रखता है। अगर हम जीन के प्रत्येक जीन के अनुक्रम को ज्ञात कर लें, नाइट्रोजन क्षारों के अनुक्रम को ज्ञात कर लें, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से अनुक्रम से कौन सा प्रोटीन बनता है। इससे हमें यह पता चल जाएगा कि मान लो किसी के शरीर में वो कोई आवश्यक एंजाइम या प्रोटीन नहीं बन रहा है, तो उसका कारण क्या होगा, उस जीन पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी। हम उसे तलाश सकते हैं, फिर हमारे पास जो डाटा है उसे मैच करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि कौन सी कमी है, कौन सा नाइट्रोजन क्षार गड़बड़ है जिसकी वजह से यह रोग हो रहा है, तो उसे हम सही कर सकते हैं। बहुत सारे रोगों को हम सही कर सकते हैं जीन के नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रम को ज्ञात करके। तो आइए देखते हैं, विभिन्न व्यक्तियों में मिलने वाले डीएनए की विभिन्नता के बारे में प्राप्त जानकारी से, मानव में मिलने वाले हजारों अनियमितताओं के बारे में पहचानने, उपचार करने, कुछ हद तक उन्हें रोकने में सहायता मिली है। इसके अतिरिक्त मानव जीव विज्ञान के सुरागों को समझने, अमानवीय जीवों के डीएनए अनुक्रम की प्राप्त जानकारी के आधार पर उनकी प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग कर स्वास्थ्य सुरक्षा, कृषि, ऊर्जा उत्पादन व पर्यावरण सुधार की दिशा में उठने वाली नई चुनौतियों को हल किया जा सकता है। यानी अनियमितताएं, जो भी मानव के शरीर में अनियमितताएं होती हैं, उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त हो सकती है। हम अन्य जीनों, अमानवीय जीवों, जो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे पेड़ पौधे, अन्य जन जीव जंतु, उनमें जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम पता कर सकते हैं, और उन विशेषताओं से संबंधित चीज़ों को हम मनुष्य के प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया जिसका नाम बैसिलस थुरिंजेंसिस है, हमने जाना कि उस बैसिलस थुरिंजेंसिस में एक प्रोटॉक्सिन प्रोटीन का निर्माण होता है जिसे क्राई प्रोटीन कहते हैं। हम उसके जीन के बारे में पता किए कि आखिर वो प्रोटीन किस जीन से बनता है। उस जीन को हमने कपास के पौधे में इंजेक्ट करा दिया, फिर देखा कि कपास में उस जीन से उस प्रोटीन का निर्माण होने लगा। यानी अब उस कपास में वो प्रोटीन उत्पन्न हो रहा, अब वो प्रोटीन क्या है, टॉक्सिक प्रोटीन है जो उस कपास को कपास के कीड़े से बचाता है। तो इस तरह से हम अनेक जंतुओं में उनकी जो विशेषताएं हैं उनसे संबंधित हम जीनों को प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें मानवीय प्रयोग में ला सकते हैं। जीवाणु, जैसे जीवाणु, ईस्ट, केओनो रैबिटिस एलिगेंस, ये जो नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड होते हैं, ड्रोसोफिला मक्खी, पौधा आदि के अनुक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है जीनोम प्रोजेक्ट के तहत। मानव जीनोम से संबंधित ज्ञान को निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रयोग किया जा सकता है। पहला, मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले जीन्स में न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम का पता लगा सकते हैं कि किस कारण से, किस अनुक्रम की गड़बड़ी की वजह से मानव में रोग उत्पन्न हो रहा। कैंसर के जीन्स की पहचान हेतु प्रयास जारी है जिनके द्वारा कैंसर उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं को सामान्य कोशिकाओं में परिवर्तित किया जा सकता है। हम ये जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैंसर उत्पन्न करने के लिए कौन सा अनुक्रम डिस्टर्ब हो जाता है जीन का, जिससे के कारण सामान्य कोशिका कैंसर में रूपांतरित हो जाती है। अगर हमें ये जानकारी प्राप्त हो जाए तो हम कैंसर उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं को सामान्य कोशिकाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। अनेक आनुवंशिक रोग हैं जैसे फिनाइलकेटोन्यूरिया, अल्कैप्टोन्यूरिया, सिकिल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, ये सभी रोग आनुवंशिक रोग होते हैं जो जीन की गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम ठीक कर सकते हैं। इसके द्वारा जीन तथा प्रोटीन किस प्रकार समन्वय में कार्य करते हैं इसका निर्धारण किया जा सकता है। आनुवंशिक प्रवृत्ति के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति के लिए कस्टम ड्रग्स बनाई जा सकती है। यानी हम एक व्यक्ति के जो उसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम उसके लिए ड्रग्स बना सकते हैं जो उसके किसी भी आनुवंशिकी को परेशान या डिस्टर्ब ना करे। अन्य जीवों के जीन अनुक्रमों के अध्ययन द्वारा मानव के अनेक कार्यों जैसे स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा उत्पादन आदि में इनका उपयोग कुशलता से किया जा सकता है। जीन चिकित्सा द्वारा अनेक आनुवंशिक रोगों का उपचार किया जा सकता है। आपने पढ़ा है अध्याय 11-12 में, ये सब कुछ उसी पर डिपेंड है, अध्याय 11-12 इन्हीं सब पे। अध्याय 11-12 में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से हम किसी जीन का उपयोग करके हम रोगों को ठीक करते हैं। जीन चिकित्सा, ABA डिफिशियंसी से ग्रसित बालिका को हम जीन चिकित्सा के माध्यम से ही ठीक किए थे। तो उसको जीन की वजह से जो रोग होता है उस जीन के बारे में पहले जाने तो कि सामान्य अनुक्रम क्या होना चाहिए और उस अनुक्रम में गड़बड़ी क्या है, तभी तो हम ठीक कर सकते हैं। तो ये जीन चिकित्सा के आधार पर किया जा सकता है। विभिन्न जीवों के जीन्स के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा उद्विकास का अध्ययन किया जा सकता है। जो जीन्स हैं उनमें बदलाव के कारण क्या सामान्य से भिन्न अवस्था पैदा हो जाती है जो विकास के लिए, जैव विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। यानी कैसे कि हम कपि से कैसे मनुष्य में परिवर्तित हुए हैं इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है। बस
ये था मानव जीनोम परियोजना के बारे में। आपने जाना मानव जीनोम परियोजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, विधियां और उसकी उपयोगिता और महत्व के बारे में। अब आखिरी टॉपिक बचता है इस अध्याय का, वो है डीएनए अंगुली छापे यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी भाग 21 ये आखिरी टॉपिक होगा इस अध्याय का। इसके बाद यह अध्याय समाप्त। तो अभी इस टॉपिक से रिलेटेड जो नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करा देते हैं। ये देखिए नीट 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्यक्त अनुक्रम घुंडी जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, जिसके बारे में मैंने बताया था, अभियुक्त अनुक्रम टैग्स क्या होता है। चार ऑप्शन दिए गए, आरएनए के रूप में जीनों का अभिव्यक्त होना, पॉलीपेप्टाइड अभिव्यक्ति, डीएनए बहुरूपता या नूतन डीएनए अनुक्रम। मैंने आपको क्या बताया था, अभियुक्त अनुक्रम टैग्स में क्या होता है, एक जीन से आरएनए बनता है, आरएनए के रूप में जीनों का अभिव्यक्त होना, जीन किसके रूप में अभिव्यक्त होता है, आरएनए के रूप में। तो ऑप्शन ए सही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे, एक ही क्वेश्चन पूछा गया था इस टॉपिक से संबंधित। उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको पूरी तरीके से समझ में आया है। कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आपको देना है अपनी कॉपी में भी और वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी। पहला प्रश्न कि जीनोम क्या होता है, दूसरा मानव में आगुणित कोशिका कौन सी है, नेक्स्ट मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, नेक्स्ट मानव जीनोम को बनाने वाले कुल नाइट्रोजन क्षारों की संख्या कितनी है, नेक्स्ट मानव जीनोम परियोजना का संचालन कौन करता है, नेक्स्ट मानव जीनोम में कुल कितने जीन पाए जाते हैं, नेक्स्ट ELSI का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट मानव जीनोम परियोजना की कौन कौन सी विधियां उपलब्ध हैं, नेक्स्ट मानव जीनोम परियोजना में प्रयुक्त किए जाने वाले पोषक कोशिकाएं कौन कौन सी हैं, नेक्स्ट मानव जीन में औसतन कितने नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, नेक्स्ट मनुष्य में सबसे बड़ा जीन कौन सा है और उसमें कितने नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, नेक्स्ट मानव जीनोम परियोजना के तहत सबसे पहले कौन से गुणसूत्र के अनुक्रम का पता लगाया गया, नेक्स्ट मानव जीनोम परियोजना के तहत सबसे अंतिम में किस गुणसूत्र संख्या के अनुक्रम के बारे में पता लगाया गया, नेक्स्ट मनुष्य में कुल कितने प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, नेक्स्ट मानव जीनोम के किस गुणसूत्र पर सबसे अधिक जीन होता है, नेक्स्ट मानव गुणसूत्र में कौन से गुणसूत्र में सबसे कम जीन होता है, नेक्स्ट मानव जीनोम का अधिकांश भाग कौन बनाता है। बस इतने क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में भी देना है और अपनी कॉपी में भी नोट करना है। आखिरी टॉपिक जो होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जल्दी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी इंडिया के साथ। धन्यवाद।